आखिर हिंदुओं के मुकाबले 2060 तक कितने बढ़ जाएंगे मुसलमान। दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2060 के बीच मुसलमानों की विश्व भर में जनसंख्या दोगुनी गति से बढ़ेगी। नतीजन 2050 के बाद वह ईसाई धर्म से आगे निकल जाएगी और विश्व भर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला धर्म बन जाएगा। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी करीब 32% तक बढ़ सकती है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या 70% तक बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। तो वहीं 2015 में मुसलमानों की संख्या विश्व भर में करीब 1.8 अरब थी। उम्मीद जताई जा रही है कि 2060 में ये संख्या बढ़कर 3 अरब हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 45 सालों में विश्व के 10 में से 3 लोग मुसलमान होंगे। तो अध्ययन में ये भी पाया गया है कि औसतन एक मुस्लिम महिला के 2.9 बच्चे हैं, वहीं ईसाई धर्म में यह आंकड़ा 2.6 है और गैर मुस्लिम महिलाओं में यह आंकड़ा 2.2 पर आ जाता है। तो वहीं मुस्लिम आबादी की वृद्धि में एक प्रमुख वजह यह भी है कि अन्य धर्मों के अलावा मुसलमानों की औसत आयु 2015 के अनुसार 24 सबसे कम है, वहीं गैर मुसलमानों की औसत आयु 2015 के अनुसार 32 अधिक है। तो वहीं आने वाले समय में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा काफी जवान होगा। इस दौरान उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता काफी अधिक होगी। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण ये भी है। तो दोस्तों ये तो है ही, क्योंकि अभी जिस तरह से इनकी जनसंख्या और संख्या बढ़ती जा रही है ना, तो आने वाले कुछ समय में ये चीज तो पक्की है कि विश्व में सबसे नंबर 1 जो संख्या ईसाई हैं फैले हुए हैं, तो ईसाइयों से भी ज्यादा इनकी जनसंख्या हो जाएगी और इनका धर्म सबसे ऊपर हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि इनका आबादी जल्दी बढ़ती जा रही है, हर साल रिपोर्ट के अनुसार जो चल रहा है ना, तो इसके मद्देनजर रखते हुए ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में या फिर 2050 के बाद, तो आप देख लीजिए पूरे विश्व की अगर हम आंकड़ा उठा के देखेंगे तो इनकी जनसंख्या और इनकी संख्या ना बहुत ही ज्यादा उसमें इजाफा आप सभी को नजर आएगा। तो ये बात तो रिपोर्ट के अनुसार जो भी कही गई है कि 10 में से 3 आपको मुसलमान ही मिलेंगे जहां भी आप जाएंगे, और आगे 50 साल बाद ये आंकड़ा और भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। ये आंकड़ा अब कम नहीं होगा, हर साल इसमें कुछ न कुछ इजाफा आप सभी को नजर आएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हाँ सही में ऐसा जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार जो बात कही गई है इसमें सच्चाई है या फिर इसमें ये फैक्ट्स कुछ भी नहीं है, फेक सीन आपको लग रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप भी हमें कमेंट के जरिए जरूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर।